क्षेत्र में पिछले दिनों हुई जेसीबी चालक की मौत के संबंध में अखिल भारतीय बलाई समाज संघ के पदाधिकारियों ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समाजजनों के अनुसार मृतक की हत्या को दुर्घटना में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों ने जेसीबी मालिक सहित स्थानीय पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के पदाधिकारियों ने आज उज्जैन के पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पिछले दिनों ग्राम गजनी खेड़ी के काकड़ में बदनावर तहसील के करनपुरा में रहने वाले मनोहर पिता छोगालाल की मृत्यु को हत्या बताते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल 15 मई की रात्रि में मनोहर अपने कार्यस्थल पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया था, जिसके बाद पुलिस घटना का पंचनामा बनाकर जांच में जुट गई। मृतक के परिजनों ने घटना स्थल पर पाए गए साक्ष्यों के आधार पर मनोहर की हत्या होने की आशंका जताई है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोपियों को बचाने जैसे कई आरोप लगाए हैं। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम प्रमोद सोनकर ने मृतक के परिवार और समाजजनों को निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, जिला अध्यक्ष सतीश सिंदल सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। जैसी भी चालक हैं मनोहर पिता छोगालाल जी, आज उनके पिताजी मेरे साथ में आए हुए छोगालाल जी, और वहाँ पर सुनील यादव नामक जो मालिक है जिसके जेसीबी और डंपर चलते हैं, और वहाँ पर हमारे को ऐसी आशंका है कि उस बालक की हत्या की गई है, जिसको 302 की धारा को 304 में तब्दील कर दिया गया भाट पचलाना पुलिस के द्वारा। उसको लेकर हमारी समाज में परिजनों में बहुत आक्रोश है। परिजनों के साथ आज मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में सानिध्य में हम माननीय प्रमोद जी सोनकर, वैसे एसपी साहब से मिलने आए थे, एसपी साहब नहीं मिले तो माननीय एडिशनल एसपी प्रमोद जी सोनकर से मिले, और हमने सीबीआई जांच की मांग करी है। ऐसे तथ्य हमने बताए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि मनोहर की जो है मृत्यु नहीं हुई है, साधारण घटना दुर्घटना ही नहीं है, यह हत्या है। और ऐसे तथ्य हमने उनको दिए हैं कि जिससे जो डंपर है उसका अगला पहिया आधा सिर डैमेज हुआ है, जबकि उसका पूरा सिर डैमेज हो जाए, यदि एक घटना होती, दुर्घटना होती किसी चालक के द्वारा, तो जाहिर सी बात है पूरा सिर डैमेज हो जाता, पूरा चेहरा डैमेज हो जाता, बाकी ऐसा नहीं हुआ, केवल आधा सिर। क्या चर्चा हुई क्या? अभी हाल हमने यही बोला है कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। इसके अंदर हमने 5 आरोपियों के नाम बताए जिन पर हमें शंका है। सुनील यादव है, एक छोगालाल है, और कुंदन है, कृष्णा है, और कुंदन है। ऐसे करके 5 आरोपियों के हमने नाम बताए। यदि पुलिस प्रशासन उनसे सख्ती से पूछताछ करेगा तो इस हत्या का खुलासा हो जाएगा। ऐसी हमारी मांग है कि सीबीआई जांच की मांग हो, अन्यथा पूरा भलाई समाज सड़क पर आकर उग्र आंदोलन करेगा। उज्जैन जिले के थाना नाराट पचना अंतर्गत 12 मार्च को जो है थाने पर रिपोर्ट आई थी एक्सीडेंट की। थाना नाराट पचना ने उस पर एक्सीडेंट का मुकदमा कायम किया था, और उसमें मृतक जो है मनोहर बलई नाम से की डेथ हुई थी। उसी के पिताजी और परिजन और समर्थक और उनके समाज के अन्य लोग आज आए थे, और उन्होंने एस पी साहब के नाम पर ज्ञापन दिया है कि इस ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है, और हत्या में वो 5-7 लोगों के शक कर रहे हैं, और उनके कुछ आधार हैं कि इन आधारों पर उनका कहना है। साथ ही साथ उनकी ये कहना है कि सीबीआई जांच की जाए। मेरे द्वारा जो है उनका ज्ञापन दिया गया है और आश्वासन दिया गया है, एडिशनल एसपी उस जो क्षेत्र के हैं जीटा 3 साहब, उनको ये भेजा जा रहा है और जाँच की जाएगी, और उसके आधार पर उसके प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। सर कहने गए स्थानीय पुलिस का भी उसमें मिले बिकॉज सामने आने की बात हो रही है, वो जाँच का विषय है। यदि स्थानीय पुलिस में भी लापरवाही बरती होगी अपने काम के प्रति,